तो देखो भाई लोग, ये पार्ट टू वीडियो होने वाला है अपकमिंग एसयूवी कारों का। हालांकि इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने 7 अपकमिंग कारों को कवर किया था जिनको इस साल के एंड तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है, लेकिन और भी कारें इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं पेंडिंग एसयूवी कारों को कवर करूंगा जिनको बहुत जल्दी इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाना है। अगर आपको भी किसी नई कार का इंतजार है तो आप ये वीडियो एंड तक देख सकते हैं, शायद आपकी भी फेवरेट कार जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। फर्स्ट पोजीशन पर एक मिडसाइज एसयूवी कार आती है जिसको होंडा की तरफ से इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है, जो कि कम्पीट करेगी क्रेटा के साथ, सेल्टॉस के साथ। टाइगर कोशक एस्टर को ये कार टक्कर देने वाली है और इस कार का नाम रहेगा HRV। हालांकि होंडा कंपनी इस साल 2 एसयूवी कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। पहली रहेगी WRV का न्यू जनरेशन वेरिएंट, जिसको ग्लोबल मार्केट में पिछले साल लॉन्च किया गया था और कुछ दिन पहले ही इसका अपडेटेड वर्जन बैंकॉक के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। सिमिलरली HRV का भी अपडेटेड वर्जन बैंकॉक के ऑटो एक्सपो में शोकेस हो चुका है और सेम मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। यानी क्रेटा के सेगमेंट के अंदर और टाटा नेक्सॉन के सेगमेंट के अंदर होंडा 2 नई एसयूवी कार को लॉन्च करेगी। WRV के बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात करी थी, तो यहां पर अब HRV के बारे में बात कर लेते हैं। ये होंडा की अपकमिंग एसयूवी कार होने वाली है जिसका एक्सटर्नल लुक काफी बेहतरीन है और इस कार के इंटीरियर में आपको काफी अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और जब ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो होंडा कंपनी इस कार के अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दे सकती है, जिसके तहत ये कार लगभग 121 BHP की पावर आउटपुट और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेगी। तो इस इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ अपकमिंग होंडा की मिडसाइज एसयूवी कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। और कुछ रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया था कि इस कार के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। यानी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम आज के डेट में होंडा सिटी के अंदर दिया जाता है, सेम चीज आपको होंडा की इस अपकमिंग एसयूवी कार के अंदर देखने को मिल सकती है। खैर, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन होंडा इस कार को जून या फिर जुलाई के आसपास इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च करेगी और इस कार की कीमत लगभग 10 या फिर 10.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। सेकंड पोजीशन पर किया की सेल्टॉस आती है। अब किया सेल्टॉस का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, लेकिन किया सेल्टॉस मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर तीसरी ऐसी एसयूवी कार है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ग्रैंड विटारा सेकंड पोजीशन पर आ रही है। खैर, आने वाले समय में किया कंपनी सेल्टॉस का फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च करेगी, जिसको ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। आपको किया सेल्टॉस के फेसलिफ्ट मॉडल के एक्सटीरियर में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट फीशिया को काफी ज्यादा चेंज किया है, आपको नए ग्रिल का सेटअप देखने को मिल जाएगा, हेडलाइट का डिजाइन नया रखा गया है, LED DRL का सेटअप भी आपको कम्प्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। सेल्टॉस का रियर का फीशिया भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और इंटीरियर में आपको काफी ज्यादा नए डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नया डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, कनेक्टेड टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको मिल जाएगा इंटीरियर में, लेदर की सीट, लेदर की अपोस्ट्री, कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, सनरूफ और ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स आपको अपकमिंग किया सेल्टॉस के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और किया कंपनी सेल्टॉस के फेसलिफ्ट मॉडल को इस दिवाली के आसपास इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च करेगी। लेकिन जो करंट मॉडल है सेल्टॉस का, उसको भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से किया कंपनी ने अपकमिंग सेल्टॉस के फेसलिफ्ट मॉडल के सेफ्टी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थर्ड नंबर पर टोयोटा की RAV4 आती है, जिसकी टेस्टिंग पिछले 2-3 सालों से चल रही है और इस कार को टोयोटा की तरफ से इंडियन मार्केट में इंपोर्ट किया जाएगा, ना कि मैन्युफैक्चर। हालांकि इसको इंपोर्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली इस कार की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी और इस कार की जो पोजीशन रहेगी वो लगभग आपको टाटा हैरियर या फिर जीप कंपास के सेगमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। यानी टोयोटा कंपनी इस कार को टाटा हैरियर के सेगमेंट में उतार सकती है या फिर उसके ऊपर जीप कंपास के सेगमेंट में उतार सकती है। इस कार को ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इस कार के अंदर आपको काफी ज्यादा पावरफुल इंजन स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसका लुक भी बेहतरीन है और इस कार के इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो टोयोटा की तरफ से ये अपकमिंग एसयूवी कार होने वाली है, जिसको इंपोर्ट किया जाएगा, ना कि मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो डेफिनेटली इस कार की कीमत आपको 20 लाख रुपए के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आपको क्या लगता है टोयोटा की इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। फोर्थ नंबर पर महिंद्रा की थार आती है। यानी बहुत जल्दी थार का 5 डोर वाला मॉडल
मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। थार के 5-डोर वाले मॉडल की टेस्टिंग अभी फिलहाल के लिए चल रही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत जल्दी मारुति सुजुकी जिम्नी का 5-डोर वाला मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, जो कि कम्पीट करने वाली है थार के साथ, गुरखा के साथ। तो यहाँ पर महिंद्रा थार के लिए यहाँ पर कंपटीशन थोड़ी सी तगड़ी होने वाली है। आज के डेट में थार के अंदर आपको 3-डोर का ऑप्शन मिल जाएगा, हालांकि थार के अंदर थोड़ा सा कम स्पेस दिया जाता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए महिंद्रा कंपनी थार का 5-डोर वाला मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है, जिसके तहत आपको इंटीरियर में अच्छी खासी स्पेस मिलेगी और जो अपकमिंग थार का 5-डोर वाला मॉडल रहेगा उसके डायमेंशंस को बढ़ाया जाएगा, यानी उसकी लेंथ इंक्रीज करी जाएगी, विड्थ को बढ़ाया जाएगा और शायद हाइट को भी बढ़ाया जा सकता है। इन सभी चीजों की मदद से आपको इंटीरियर में अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, एक्सटीरियर में आपको काफी ज्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और इंटीरियर में भी आपको काफी ज्यादा अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसकी कीमत करंट थार के मुकाबले लगभग 1 या फिर 2 लाख रुपए थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है और इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के अंदर आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। इसको इस महीने या फिर अगले महीने इंडियन मार्केट में रिवील किया जा सकता है और जून या फिर जुलाई के आसपास इसके प्राइजेस को रिवील किया जाएगा, यानी इसको ऑफिशियली जून या फिर जुलाई के आसपास लॉन्च किया जाना है। आखिरी नंबर पर टाटा की ब्लैकबर्ड है, हालांकि इस कार का लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं और ये टाटा की अपकमिंग मिड साइज एसयूवी कार होने वाली है, जो कि कंपीट करेगी क्रेटा, सेल्टोस, टाइगन, कुशक, ग्रैंड विटारा के साथ। अब यहाँ पर आने वाला समय बताएगा कि टाटा की ये कार इन कारों को कंपीट कर पाती है कि नहीं। मेरे हिसाब से ये कार लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली तबाही सी मचा देगी, क्योंकि आज के डेट में टाटा की कारों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और टाटा ने हर एक सेगमेंट के अंदर अपने कारों को उतारा है और हर एक कार ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे दिया है। आपको क्या लगता है, टाटा की ब्लैकबर्ड क्रेटा, सेल्टोस, टाइगन, कुशक, एस्टर को टक्कर दे पाएगी कि नहीं, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। इस कार के अंदर आपको एक नया पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। इसके अलावा इसका लुक काफ़ी बेहतरीन होने वाला है और इंटीरियर में काफ़ी बेहतरीन फीचर्स टाटा कंपनी ऑफर कर सकती है। तो आने वाले समय में टाटा की ब्लैकबर्ड ऑटो इंडस्ट्री में आग ही लगा देगी। मेरे हिसाब से ये कार इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा चलने वाली है। तो ये 5 एसयूवी कार्स थी जिनको इस साल के एंड तक इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया जाना है। शायद इनमें से कुछ कारों के लॉन्चिंग में डिले भी हो सकता है या फिर इनको जल्दी भी लॉन्च किया जा सकता है। इन 5 कारों में से आप किस कार का इंतजार कर रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।